हेलो एवरीवन, बहुत दिन से मैंने फिटनेस वीडियोस नहीं डाले कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि नहीं। मैं एक्सरसाइज एक्चुअली कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो निकालूँ। तो तकरीबन एक महीने बाद मैं एक वीडियो निकाल रहा हूँ फिटनेस के ऊपर। मैं आपको बता दूँ कि मैंने जिम चेंज कर दिया है। इनिशियली आई वॉज गोइंग टू तलवलकर्स मुलुंड, बट वो अभी मैंने बदल दिया है। अभी मैंने एक नया जिम ज्वाइन किया है, ट्रांसफॉर्मर मुलुंड। अब मैं बताता हूँ, कोई ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं खुद क्योंकि आ रहा हूँ। मैंने पैसे दिए हैं भाई, मुफ्त में कोई कुछ नहीं करता। और मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि लोग प्रमोशन के नाम पे मुझे मुफ्त में मेंबरशिप दे देंगे। तो ऐसा आप गलत कभी मत समझिए, मैं जो बोलता हूँ ईमानदारी से। तो एक रीज़न था, मैंने इस जिम का टूर किया था तो मैंने डिसाइड किया कि ये जिम मुझे ज्वाइन करना है। रीज़न क्या है, इट इज़ मोस्ट स्पेशियस जिम आई हैव सीन इन मुंबई। इतनी स्पेशियस है, आप देख सकते हो ये एक्टिविटी एरिया है कितना बड़ा है, उधर कार्डियो एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। मैं आपको अंदर से एक बार दिखाऊंगा। और ऊपर आपको जो आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वेट ट्रेनिंग वगैरह, वो ऊपर है। तो अगर मान लीजिए एट ए टाइम 200 लोग भी यहाँ पर आ जाएं वर्कआउट करने के लिए, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और देख सकते हो आप, एक्टिविटीज़ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप अगर ऊपर चढ़ना चाहते हो, आप किक बॉक्सिंग करना चाहते हो, किक बॉक्सिंग के लिए सब कुछ है, जुम्बा वगैरह का अरेंजमेंट है। और दूसरा रीज़न ये था कि मैडम भी मेरे साथ अब जिम आना चाहती थी, और ये हमारे घर से पास भी है जिम, तो हमने ज्वाइन किया। तो मैं आपको एक क्विक टूर कराता हूँ उस जिम का, ठीक है? तो बस देखिए कैसा है ये जिम, बताइए मुझे। क्या लगता है आपको, सच में मैंने सही कहा था ना, बेस्ट जिम है क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, भीड़ भी नहीं है। रेट तो यस ऑब्वियसली जैसे सभी जिम्स में है। ट्रेनर्स भी कोई ऐसा मोटा वोटा नहीं है भाई। मैंने जो तलवलकर में था तो मैंने एक वीडियो बनाया था, एक्चुअली बहुत गुस्से में मैंने बनाया था, तो मोटिवेशन भी अच्छा है। तो आई गेस दिस इज द बेस्ट जिम सो फार आई हैव सीन। और फिर मैं बता देता हूँ, आप जो भी लोग इसको ये सोचे कि प्रमोशन के लिए बनाया, भैया अपनी बुद्धि को थोड़ा आराम दो, ये सब मैं काम नहीं करता। जो लोगों के लिए अच्छा है वो बताता हूँ, आप देख लो कोई प्रमोशन के लिए। ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस यहाँ पर उस दिन मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा ध्यान लगाने की कोशिश किया था और कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अदरवाइज जितनी भी जिम है इतनी भीड़ है। और ये जिम में भीड़ क्यों नहीं है, क्योंकि इसके चार बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं। ये आप देख सकते हो, ये अलग सेगमेंट है, उधर अलग सेगमेंट है, ऐसे नीचे आपने देखा था अलग सेगमेंट है। तो जो क्राउड है वो डिवाइड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, भीड़ है लेकिन डिवाइडेड है, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम या जगह मिल जाती है, ठीक है? तो अभी यस मेरा वर्कआउट अभी शुरू होने वाला है। मेरे को है ना, जो चेंज आया मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पुराने वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चेंज सबसे पहला तो ये था कि जो मेरा चेहरा है थोड़ा हल्का सा पतला हुआ है पुराने से, प्लस मैंने थोड़ा अभी डाइट भी कंट्रोल किया है। पास्ट 15-20 डेज से मैंने बाहर कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे थे। तो आई हैव लॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 1.5 kg,
एक 1.5 किलो के आसपास लूज किया है, एक्चुअली 2 किलो के आसपास लूज किया है, क्योंकि अभी मैं अंडर 100 आ गया हूँ, 100 किलो से कम पे आ चुका हूँ। पहले 100 किलो, 101, 102 पहुँच चुका था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा अंदर से अच्छा लगता है, वर्कआउट कीजिए। जिम मैंने आपको सजेस्ट किया, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, अदरवाइज आपका कॉल है। मैं इसीलिए देखो बताता हूँ, मैं बार बार ये बोल चुका हूँ, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अक्षय कुमार साहब बोले थे तभी मैं आना शुरू हुआ, नहीं, मैं देखा कि मैं खुद बीमार पड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने ग्रो होता हुआ देखूँ, बीमार होकर बेड पर पड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। और जो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस आता है ना हेल्थ को लेके, वो आता है टेंशन या स्ट्रेस लेने से। मैं इतनी सारी कोचिंग में पढ़ाया हूँ, हर कोचिंग ने पैसे तो जो दिए से दिए, सबसे ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस दिया। खुद नालायक लोग कुछ करते नहीं थे, अच्छा होता था तो कोचिंग का नाम लगा देते थे कि इस कोचिंग ने अच्छा किया है, हमने अच्छा किया है, और बुरा होता था तो टीचरों पे भांडा फोड़ते थे, जबकि गलतियां हमेशा उनकी रहती थी। जो अच्छा होता था वो सब टीचर्स के कारण होता था, टीचर्स मेहनत करते थे। अब इसको मैं नहीं एलैबोरेट करूंगा, बट सच यही बात है कि आई एम इन जिम एंड आई हैव टू वर्कआउट टुडे। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, देश के लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो। जय हिंद, वंदे मातरम।